दोस्तों, भारत भूमि पर नारी इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं भगवान सूर्य भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकते थे। जिसके आगे किसी का तेज फीका पड़ जाए, उस सूर्य नारायण का तेज एक स्त्री के समक्ष मंद पड़ गया। इसी पर आधारित आज की कहानी है। किसी नगर में कौशिक नामक एक क्रोधी और निष्ठुर ब्राह्मण रहता था। उसे कोढ़ की बीमारी थी। उसकी पत्नी सांडिली माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी। वह बड़ी पतिव्रता थी और कोढ़ से सड़े गले पति को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और पूजनीय समझती थी। एक रात वह अपने पति को कंधे पर लाद कर कहीं लेकर जा रही थी। रास्ते में कहीं मांडव्य मुनि को उसके पति के पैरों की ठोकर लग गई। ऋषि क्रोधित हुए और श्राप दे दिया, मूर्ख स्त्री, तेरा पति सूर्योदय होते ही मर जाएगा। ऋषि के श्राप को सुनकर सांडिली बोली, महाराज, भूल से मेरे पति का पैर आपको लगा। जानबूझकर आपका अपमान नहीं किया, फिर भी आपने श्राप दे दिया। मैं भी आपको श्राप देती हूँ कि जब तक मैं न कहूँ तब तक सूर्य ही उदय ना हो। मांडव्य आश्चर्य में पड़े खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम इतनी बड़ी तपस्विनी हो कि सूर्य की गति रोक सकती हो? सांडिली बोली, मैं तो भगवती की शरणागत हूँ, वही मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करेंगी। उसकी बात निष्फल नहीं रही। सूर्य अगली सुबह से लेकर 10 दिन तक नहीं निकले। ब्रह्मांड संकट में आ गया। देवताओं को बड़ी चिंता हुई। वे अनुसुईया जी के पास पहुंचे। अनुसुईया जी सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। उनका प्रभाव देवों से भी अधिक था। देवों ने कहा, माता, एक पतिव्रता के प्रभाव के कारण संसार में संकट आ गया है। आपसे ज्यादा योग्य संसार में कोई और स्त्री नहीं होगी जो एक पतिव्रता सांडिली को समझाकर उसका क्रोध शांत कर सके। अनुसुईया जी सांडिली के पास पहुंची और उसके कारण उत्पन्न हुए संकट का प्रभाव बताकर वचन वापस लेने का अनुरोध किया। अनुसुईया जी ने कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु के बाद उन्हें फिर से जीवित और स्वस्थ करने का मैं वचन देती हूँ। सांडिली को भरोसा हो गया। उसने अपना वचन वापस ले लिया और सूर्य की गति को अनुमति दे दी। सूर्योदय के साथ ही मांडव्य के श्राप के कारण उसका पति मर गया। अनुसुईया जी ने सूर्य का आह्वान करते हुए कहा, मेरे पतिव्रत में यदि शक्ति है तो आप इस मृत पुरुष को पुनः जीवन, स्वास्थ्य और 100 वर्ष तक सुखद गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। मांडव्य ने इसे अपने अहम का प्रश्न बना लिया और बोले, मेरे श्राप को कोई काट नहीं सकता, इसे जीवित करने का प्रयास करना व्यर्थ है। अनुसुईया जी ने भगवती का स्मरण किया, माता, मेरी लाज रखकर मांडव्य का अहंकार चूर करे। अनुसुईया माता की स्तुति करने लगी। माता वहां प्रकट हुई और कौशिक को जीवन और स्वास्थ्य प्रदान किया। मांडव्य का अहंकार समाप्त हो गया। मांडव्य बोले, आज मैंने 2 पतिव्रता नारियों की शक्ति देख ली। पतिव्रता स्त्रियों में स्वयं भगवती का वास हो जाता है। हे भगवती, मैं अपनी शक्तियों के अनुचित प्रयोग के लिए क्षमा मांगता हूँ। माता ने मांडव्य को क्षमा कर दिया। मांडव्य फिर तप के लिए चले गए।